मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले प्रदेश में सियासी पर अभी चर्चा जा रहा है। भोपाल में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें कमलनाथ को वांटेड और करप्शन नाथ बताया गया है। पोस्टर किसने लगाए यह अभी पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की चाल बताया है। राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट समेत कुछ चौराहों पर कमलनाथ के पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर में स्कैम से बचने स्कैन करें लिखा है। वहीं कुछ पोस्टर में घोटाले गिनाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए आमदा हो चुकी है। हमारे नेता कमलनाथ को लेकर भाजपा ने एक पोस्टर अभियान चलाया है। हमें उसकी चिंता नहीं है क्योंकि हमारे नेता प्रदेश की जनता के दिलों में विराजित है। मिश्रा ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास भाजपा के भ्रष्टों के खिलाफ प्रमाणिक आरोपों का भंडार है। वह लोग जवाब देते देते थक जाएंगे और चुनाव निकल जाएगा। हमें छेड़े ना, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं कमलनाथ के पोस्टर वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर क्या आरोप लगाएगी, एक भी प्रमाण वह सामने नहीं ला पाए हैं। 15 महीनों की कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था।